वेलकम टू माय चैनल बाओ स्मार्ट ब्यूटी। आज मैं आपको इंस्टेंट भरवा व्यंजन बताऊंगी जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। भरवा व्यंजन बनाने के लिए हमें चाहिए छोटे बैंगन। इन्हें सबसे पहले धो लीजिए, फिर साफ कपड़े से पोंछ कर इनमें चाकू से 4 कट लगा दीजिए। सभी बैंगन में कट लगाने के बाद अब इन बैंगन को हमें तेल में फ्राई करना है। ध्यान रहे हमें ये बैंगन धीमी आंच पर फ्राई करने हैं। अब एक फ्राई पैन लीजिए, उसमें तेल डालिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें कट लगाए हुए सभी बैंगन डाल दीजिए और इन्हें धीमी आंच पर फ्राई कीजिए। बीच बीच में बैंगन को पलटते रहिए। ये देखिए बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं, हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं। इसका मतलब बैंगन फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें अलग प्लेट में निकाल लीजिए। भरवा बैंगन की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने टमाटर को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मसाले मिक्स करेंगे। इसमें आप मिलाएंगे धनिया, उसके बाद हल्दी। मैं यहाँ लाल मिर्च की जगह देगी मिर्च यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें कलर बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। अब सभी मसालों को इस टमाटर में मिक्स कर लेंगे। अब गैस ऑन कीजिए, उस पर फ्राई पैन रखिए। फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालिए। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें जीरा और हींग डाल दीजिए। जब जीरा चटकने लगे तो उसमें जो हमने ग्रेवी तैयार की है वो डाल दीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स के मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ग्रेवी को ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट पकाइए। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए तब इसमें फ्राई किए हुए बैंगन डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर 5 मिनट पकाइए। अब ढक्कन हटा दीजिए। इसमें स्वादानुसार नमक और आधी चम्मच अमचूर डाल के मिक्स कर दीजिए और चम्मच से मसाला लेकर इसमें बैंगन में भर दीजिए। ये देखिए हमारे भरवा बैंगन बनकर तैयार हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव।